नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपने लॉकडाउन कोविड-19 के पहले किसी कंपनी किसी बैंक से अगर लोन लिया था और आप लॉकडाउन या कोविड-19 के चक्कर में पेमेंट नहीं कर पाए और आपकी जॉब चली गई और आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो चुका है, तो कैसे आपको भविष्य में लोन मिलेगा, क्या आपका जो सिविल स्कोर है वो सही होगा कि नहीं होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्सर आप लोग के मन में ये बात आती है कि मैंने कंपनी का पैसा पे नहीं किया और मेरा जो सिविल स्कोर है निगेटिव हो गया और कंपनी अपना पैसा मांग रही है, अगर मैं पैसा पे कर दूंगा तो क्या कंपनी मेरा जो सिविल स्कोर है क्या उसे ऑडिट करेगी नहीं करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी NBFC रजिस्टर्ड कंपनी से अगर लोन करवाते हो, अगर आपके सिविल स्कोर पे अगर निगेटिव कंपनी डाल देती है तो जो आपका बाकी अमाउंट रहेगा वो आपके पैन कार्ड पेंडिंग डाल दिया जाएगा। जब भी आप ट्रैक करोगे अपने सिविल स्कोर को तो वहां पे जो आपका बाकी अमाउंट रहेगा आपके पैन कार्ड पेंडिंग शो करेगा। अगर दोस्तों आपने अगर कंपनी का जो पैसा है अगर पूरा पे कर दिया, मान लो अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग या आपने बैंक किसी ऑफिस में जाके या आपने बैंक में जाके अगर पैसा पे किया और आप पास अगर रसीद है, अगर आपको बैंक या कंपनी अगर रसीद दे दिया या आपने ऑनलाइन पेमेंट किया और पैसा कंपनी और बैंक को मिल गया और पैसा मिल जाने के बाद अगर कंपनी और बैंक ने वहां पे अपडेट नहीं किया ही है, अगर ऐसी कोई बात आती है, अगर आपने कंपनी का पेमेंट लेट सवेर चाहे जब भी पूरा पेमेंट कर दिया और आपके सिविल स्कोर पे अगर अपडेट नहीं किया गया कि पर्सन का जो पैसा है मिल चुका है, कंपनी का जो अमाउंट है क्लियर हो चुका है, पेड हो चुका है, अगर आप शो नहीं करता है तो जो आपने पेमेंट किया था उसका स्लिप लेके आपको रिपोर्ट करना रहेगा, आपका सिविल स्कोर है वो 100% सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी या बैंक अगर पैसा नहीं देते हो, उस पैसे को अगर मार लेते हो, तो जो आपका सिविल स्कोर है, जो आपका पैन कार्ड है, वहां पे हमेशा के लिए पेंडिंग लगाया रहेगा। जब भी आप किसी कंपनी या बैंक से लोन करवाओगे जो आपका सिविल स्कोर है वो वहां पे पेंडिंग शो करेगा, इसके कारण आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप पैसा पे कर देते हो तो जब आपका सिविल स्कोर है वो कंपनी को और बैंक को ऑटोमेटिक ठीक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक सवाल ये है, कुछ कंपनियां कुछ बैंक ऐसे होते हैं पैसा पा जाने के बाद वो अपडेट नहीं करते हैं और आप लोग को लोन नहीं मिलता है और आप लोग परेशान होते हो और आप लोग ये सोचते हो कि मैंने पैसा पे कर दिया और जो मेरा सिविल स्कोर है वो सही भी नहीं हुआ। दोस्तों इस हाल में आप लोगों को नियर बाई पुलिस स्टेशन या तो आपको RBI को लेटर लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे आपको मिल जाएगा, कैसे आपको कंप्लेन करना, ईमेल करना, सब मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन आप कंप्लेन कर सकते हो स्लिप के साथ कि मैंने इस कंपनी का जो पैसा है पे नहीं किया था और बाद में जब पैसा मेरे पास आया मैंने पेमेंट कर दिया, कंपनी ने मेरे अमाउंट को अपडेट नहीं किया और जो मेरा सिविल स्कोर है सही नहीं किया, इस हाल में आपका सही हो जाएगा। बट दोस्तों बहुत से लोग का जो सिविल स्कोर है कंपनियां पैसा पा जाने के बाद सही नहीं करती है, वो अपडेट ही नहीं करती है। जैसे कि अब मान लो आपने अगर मान लो किसी अपने दोस्त से एक 20,000 रुपए का लोन लिया और अगर मान लो आपने लिखा पढ़ी के साथ लोन लिया था और अगर आपने अपने दोस्त का पैसा नहीं दिया और पैसा आपस अगर मान लो भविष्य में हो गया, अगर आप वो पैसा अपने दोस्तों को अगर दे देते हो और दोस्त पैसा पा जाने के बाद वहां पे एक चीज नहीं मेंशन करता है कि ये पैसा हमारे दोस्त ने हमको नहीं दिया, तो वहां पे जो आपने लिखा पढ़ी सब डॉक्यूमेंट दिया था लिया था बहुत पेंडिंग आपका शो करेगा। ऐसे दोस्तों होता है ये रूल, जो आपका पैसा रहता है वो वहां पे दिखाना पड़ता है कि हाँ एक पर्सन का इतना रिपोर्ट है, ये चीज है, वहां पे सब कुछ कंपनियां मेंटेन करती है और आपके सारे रिकॉर्ड को अपने पास रखती है और उसको सिविल ब्यूरो के पास रिपोर्ट भी करती है और आपको इस तरह लोन मिलता रहता है और आपका सिविल स्कोर इंक्रीज भी होता रहता है। बट दोस्तों कुछ लोग डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, अगर आप पैसा है तो पैसा पे करो, आपको लोन जरूर मिलेगा। ध्यान देना, जो भी आप अगर किसी कंपनी का बाकी अमाउंट देना या बैंक का बाकी अमाउंट देना, उस पैसे को आप जो है वेबसाइट के थ्रू या तो उनके बैंक में जाकर वहां पे जमा करना या तो आप वहां से स्लिप लेना, क्योंकि आप पास एक प्रूफ रहेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को पैसा हैंड टू हैंड जमा कर देते हो तो वो पैसा जो अगर वो पर्सन ने अगर अपडेट नहीं किया तो आपका हमेशा हमेशा के लिए पैसा और पेंडिंग शो करेगा और आपको लोन नहीं मिलेगा और आपका जो सिविल स्कोर है वो ठीक भी नहीं होगा। तो मैं आपको अपना एक पर्सनल सलाह दूंगा, कभी आपको डरना नहीं है। आप किसी कंपनी का पैसा बैंक का पैसा अगर बाकी है, अगर आप सोचते हो कि मैं भविष्य में लोन लूं,
और पैसा पे कर दूं और मेरा सिविल स्कोर सही हो जाए, तो आपको पैसा पे करना है वो भी बैंक से या तो वेबसाइट से या तो आपको ऑफिस से ऑफिस स्लिप रखना है, और वो कंपनी अगर पैसा पाने के बाद अगर सही नहीं करती तो आपको रिपोर्ट करना है, मेरे को बता दिया है, समझा दिया है। तो इस तरीके से आपका ये समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी का पैसा टाइम टू टाइम पे किया है फिर भी वो कंपनी अगर आपका सिविल स्कोर खराब की है तो उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर जाना है। वहां पे दोस्तों आपको एमबीसी चूज करना है और लेटर में आपको अपनी प्रॉब्लम टाइप करना है और आपको सेंड कर देना है या तो आपको ईमेल करना है, और ईमेल जैसे ही करोगे आपका जो ईमेल का रिप्लाई कम से ना कम 1 से लेकर 90 दिन के अंदर आपके पास आएगा और 100% उसकी सुनवाई होगी और आपका सपोर्ट भी होगा। बट दोस्तों एक बातों का ध्यान देना, कभी भी आपको डरना नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का पैसा या बैंक का पैसा अगर मारते हो तो आपको लोन लाइफ पे कभी नहीं मिलेगा, और जो अमाउंट आपका बाकी रहेगा आपके पैन कार्ड पेंडिंग हमेशा शो करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं उस पैसे को खा जाऊंगा, उस पैसे को पचा जाऊंगा, तो वो पैसा आपको नहीं दिखेगा, बट आपके पैन कार्ड में लाइफ टाइम के लिए वो पैसा पेंडिंग वैसे शो करता रहेगा। अगर आपका ईसेस बाउंस अगर होता रहेगा बैंक से, उसका चार्ज भी वहां पे हमेशा जोड़ा जाएगा और वो पैसा हमेशा इस तरह बढ़ता रहेगा और आप कभी लाइफ में लोन नहीं ले पाओगे। अगर बैंक कंपनी का अगर कभी मूड किया या बड़ा अमाउंट है तो कंपनी आपको कोर्ट से नोटिस भेज के अपना पैसा ले भी सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये पैसा कभी पे नहीं करूं, तो देखिए दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा पे नहीं करते हैं और आराम से खाते पीते हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। बट दोस्तों देखो, मैंने आपको एक एडवांस में जानकारी दिया है, जो रियल आरबीआई की चीजें हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार जो है कंपनी और बैंक को भी मिलता है अपना पैसा लेने के लिए। दोस्तों ये बातों का ध्यान देना, कभी किसी कंपनी का पैसा खाने से पहले या बेईमानी करने से पहले एक बार नहीं 500 बार सोचना, क्योंकि वो पैसा हमेशा आपके पैन कार्ड पे आपका पेंडिंग शो करता रहेगा। अगर आप सोचते हो कि ये शो करे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि वो पैसा बढ़ता रहेगा। और आप अगर ये सोचते हो कि मैं उस पैसे को पे नहीं करूंगा, कभी नहीं पे करूंगा, तो एक कंपनी के ऊपर और बैंक पर डिपेंड करता है। कंपनी के ऊपर अगर कभी लालच या मन में कभी ऐसा ख्याल आ गया तो उस पैसे के लिए क्लेम कर सकती है और वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक गाइडलाइन बताया है, मैं आपको ये नहीं बताया हूँ कि आपको आपसे पैसा कंपनी और बैंक ले ही लेगा। मैंने आपको सिर्फ जो रियल चीजें वो बताया हूँ, आपको सत्य चीजें बताना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको गलत चीज नहीं बताऊंगा, और जो सत्य था वही मैं आपको शेयर किया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।